हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट लेकर के आया हूं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यार, यहां पर एक वेबसाइट का टैब खुला हुआ है। वेबसाइट पे लिखा हुआ है अनाउंसमेंट रिगार्डिंग नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम इन साइंस सब्जेक्ट। सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ना यार, ये साइंस सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुन लो और देख लो और पढ़ते रहो साथ के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, ऐसा वादा किया गया था AIPT द्वारा, राइट? IAPT द्वारा ये वादा किया गया था कि भाई साहब, हम 15 सितंबर तक तो जो है ना एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आने वाले हैं। मगर उन्होंने क्या किया कि 14 सितंबर को ही जो है अपना अपडेट रिलीज कर दिया है। IAPT ने अपना अपडेट रिलीज कर दिया है एक दिन पहले, और इन्होंने क्या कहा है कि अगर यहां साइंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब, बहुत बड़ी चीज जो आप लोगों के लिए लेकर के आए, क्या है कि भाई द नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम इन साइंस सब्जेक्ट क्यूमुलेटिंग द इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर 2001 has been disrupted by COVID-19 pandemic in the country. In the view of prevailing situation, the following decisions are announced. पहला decision जो लिया है वो देख लेते हैं यार क्या लिया हुआ है। पहला decision लिया है, in the departure of usual 3 stages process for the selection of the team, now 2 stages process is done for one time exception. वन टाइम एक्सेप्शन से हमारा क्या मतलब है भैया, यहां जो साफ साफ लिखा हुआ ये है कि इस सेशन के लिए यानी कि 2021 के लिए सिर्फ वन टाइम जो ये चेंज किया गया है, उसके आगे जो होगा वो डेफिनेटली अनाउंसमेंट में आप लोगों को पता चल जाएगा। मगर दो स्टेजेस को किस हिसाब से डिवाइड किया है पहले ये देख लो यार। पहला स्टेज जो है ये कहा गया कि भाई 3 घंटे के ड्यूरेशन में इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, और नाम जो है सबसे बड़ी चीज जो है, नाम चेंज कर दिया यार। IOQ के नाम से अब ये एग्जाम जाना जाएगा, जो कि NSE के नाम से अभी तक जाना जाता था, राइट? तो क्या है, IOQ के नाम से अब जाना जाएगा, इन एसोसिएशन विद द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स एंड होमी बाबा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन। तो HBCSE और IAPT ने ये क्यूमुलेटिव डिसीजन लिया है। दूसरा इनका जो अपडेट है वो ये है कि भाई जो OCSE कैंप था वो HBCSE ही ऑर्गेनाइज कराएगा, पहले भी वही कराता था, अभी भी वही कराएगा। दो स्टेजेस किस हिसाब से बांटी हुई है, पार्ट 1 बांटा है NSE के नाम से, राइट? पार्ट 2 जो बांटा गया है वो INO के नाम से बांटा गया है। अब आगे और भी बात करेंगे, डेफिनेटली देखते जाओ यार। ऑनलाइन एनरोलमेंट्स जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जो है आराम से बैठो यार और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली टच देते रहो या फिनिशिंग टच देते रहो, क्योंकि 15 अक्टूबर जो है उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है कि भैया यहां से जो है ऑनलाइन एनरोलमेंट्स हम लोग जो है शुरू कर देंगे। उसके बाद कुछ डेट्स दी गई है यार, इन डेट्स के बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। मगर उससे पहले बता दूं कि द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पार्ट 2 यानी कि INO जो है, जो कि इवेल्युएशन होगा NSE का, उसके बाद INO का जो पेपर है वो, मतलब बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो वो भी मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव कैसे हम लोग बता रहे हैं या कैसे मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव होने वाला है। द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन फॉर OCSE बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट 2, यहां इन्होंने कह दिया कि भाई OCSE कैंप के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस जो पार्ट 2 यानी कि INO के अंदर रहेगा, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि OCSE कैंप में आप लोग जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, जिसके रिगार्डिंग जो डेट्स हैं या जो दो पार्ट्स बाकी बचे हुए हैं उनका जो डेट्स है वो डेफिनेटली आगे बता दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया है कि द प्रोग्राम स्टेजेस बियॉन्ड IOQ विल बी अनाउंस्ड इन द एप्रोप्रिएट टाइम लेटर, बाद में बताएंगे। मगर उसके साथ ही अब मैं वापस से अपनी PPT पे आ जाता हूं और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं यार, ये देखो जो नाम चेंज हुआ है, नाम को चेंज करके इन्होंने IOQ कर दिया है। IOQ, अब यहां देखने वाली बात क्या है, क्या देखने वाली बात है ध्यान से सुन लेना। NACJS जो पेपर होता था आपका, कौन सा पेपर होता था? NACJS, राइट? NACJS एक पेपर होता था आपका अभी तक, वो अब जो है IOQJS के नाम से जाना जाएगा, जूनियर साइंस ओलंपियाड, राइट? उसके बाद आपका NSEA यानी कि एस्ट्रो वाला जो पेपर होता था वो NSEA के नाम से होता था। उसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, यार देखो इन सब का डेट्स अनाउंस कर दिया गया है। और पता है क्या है, सबसे बढ़िया बात क्या है कि पिक्चर के शो चलने वाले हैं, मूवी देखने वाला सीन बनने वाला है। मगर उस मूवी में एक्टर आप लोग होंगे, एक्ट्रेस भी कोई ना कोई होगी, एक्टर आप लोग होंगे, और जो एक्टिंग शेड्यूल आप लोगों का रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि भैया 17 जनवरी को संडे को 2:30 से 5:30 के बीच में ये पेपर कराया जाएगा, जो कि है NACJS यानी कि IOQJS, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो एस्ट्रो, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो, ये जो सीनियर ओलंपियाड्स हैं साइंस के, ये कब ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं? ये ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं कहां पर, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे भैया? ये डेट्स अनाउंस हो गई है
क्या हुआ है, 9 से 12 का शो, उसके बाद फिर वही 2.5 से 5.5 का शो। आईआईटी का जो पेपर होता था वो भी इसी ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइज होता था, इसी ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइज होता था बेटा। तो क्या हुआ है, वही ड्यूरेशन इन्होंने यहां पर भी दे दिया है आप लोगों को, 9 से 12, 2.5 से 5.5, फिर 9 से 12, 2.5 से 5.5। डेट्स ध्यान से देख लो भाई, 6 फरवरी 7 फरवरी 2021 2020 में नहीं जाना है, बहुत अजीब सा साल रहा है, कोई बात नहीं, उसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये डेट्स हैं बेटा, ये ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं यहां। यार अगर ये आप देखते हो, टेंटेटिव डेट्स हैं। ये टेंटेटिव डेट्स क्यों हैं, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक का कुछ आइडिया नहीं है, क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा, मगर हमारा ऑफिशियल जो हमारा दायरा था या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम लोगों ने पूरी कर दी है कि भाई डेट्स अनाउंस कर दी गई है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में यानी कि खबर शिक्षा की जो अनाउंसमेंट वाले वीडियोज मैंने बनाए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यार डेफिनेटली बात करेंगे आईएपीटी से, और हम लोगों ने बात कर ली है, मैंने और प्रशांत सर ने डेफिनेटली जाकर के बात करी है, एक पर्सनल मीटिंग हुई थी आधे एक घंटे की, उसमें हम लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया, और उसके बाद जो है यार देख लो ये डेट्स अनाउंस हो गई। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपनी पढ़ाई को रेगुलरली बढ़ाते रहना है। उसके बाद ये जो मैथ्स वाला सेक्शन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले साइंस ओलंपियाड का एक एनालिसिस देख लो यार, क्या एनालिसिस है मेरी तरफ से। पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई कि भैया पेपर होगा, 2 examinations होंगे इस पेपर के अंदर। पहला पेपर होगा NSE जो stage 1 है आपका, और stage 2 जो है वो आपका है 2 hours का INO के नाम से। क्या है, NSE और INO के नाम से 2 stages में पेपर को बांट दिया गया है। ऑनलाइन जो एनरोलमेंट है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है, हो जाएगा मतलब, और उसके बाद कहां होगा, IAPT की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होगा। एग्जाम डेट्स अनाउंस हो गई है, एग्जाम डेट से 17 जनवरी NSEJS यानी कि IOQM। यार ये जो है ना ये याद रखने वाली चीज है, IOQJS, ठीक है, IOQJS ये याद रखना, NSEJS को अब चेंज कर दिया गया है IOQJS के नाम से। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 6 और 7 फरवरी को जो है सीनियर ओलंपियाड्स की डेट अनाउंस हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एस्ट्रो की। ये जो डेट्स आप लोगों के सामने लिखी है ना, ये डेट्स हम लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई 15 दिसंबर तक आपका जो है NSEJS का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ 15 जनवरी जो है आप लोगों की कोर्स एंडिंग डेट है, जहां पर हम सीनियर ओलंपियाड्स की अगर बात करते हैं तो क्या है, दोनों की कोर्स कंप्लीशन डेट्स भी मैंने आप लोगों को यहां बता दिए कि इतनी तारीख तक अपना कोर्स डेफिनेटली कंप्लीट कर लेना तो बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डेफिनेटली पेपर लेवल के बारे में बात करेंगे। पेपर लेवल के बारे में अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ पेपर लेवल क्या रहने वाला है। भाई JS का पेपर डेफिनेटली टफ आता था, जूनियर्स के लिए है, JS का पेपर डेफिनेटली टफ आता था, इस बार भी टफ आएगा। एस्ट्रो का पेपर जो है थोड़ा बहुत ईजी आता था। केमिस्ट्री जो है, मतलब ये क्या है कि बच्चे जिस हिसाब से एनालिसिस देते हैं कि भाई आज पेपर टफ था या आज पेपर डिफिकल्ट था, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं आगे भी टफ ही रहने वाला है। ठीक, उसके बाद पेपर पैटर्न जो है टू जो या पार्ट टू जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कहां डिस्कस किया, अभी मैंने आप लोगों को बताया था NSE और INO के नाम से। ठीक है, तो पार्ट टू जो है उसका पैटर्न सेम रहने वाला है और लेवल भी डेफिनेटली सेम रहने वाला है। क्यों भैया, नो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नो ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर क्रिएट किया जाएगा, और वो जो है डेफिनेटली टफ होने वाला है यार, क्योंकि सेकंड स्टेज है और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, NTSC के बारे में भी अपडेट दूंगा यार, आज NTSC का भी बहुत बढ़िया अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, अब यार देख लो एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है आपका, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नंबर 2 मैथमेटिक्स ओलंपियाड के ऊपर चलते हैं। यहां पे भी वही वादा किया गया था कि 15 सितंबर तक हम आपके लिए अपडेट लेकर के आएंगे, मगर फिर से वही 14 सितंबर को जो है इन्होंने अपडेट निकाल दिया है। क्या कह रहे हैं, द नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम ऑफ मैथमेटिक्स क्यूमुलेटिंग द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2021 IMO एंड यूरोपियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड EGMO 2020 आर डिसरप्टेड बाय द कोविड कंडीशन इन 2020। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, द डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल 4 stages, यहां देखना ध्यान से, यूजुअल 4 stage प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट IMO 2020 और EGMO 2022 एट द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर्स, द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर 2021 साइकिल हैज बीन कंडेंस्ड टू 3 stages। यहां पे भी इन्होंने यही करा, क्या किया है, यहां पर 4 stages का जो प्रोसेस था उसको हमने 3 stages में बांट दिया गया है। क्या है, 3 hours का एग्जामिनेशन होगा, IOQM के नाम से जाना जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया था।
भैया नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, IOQM के नाम से अब ये जाना जाएगा और उसके बाद INMO हो रहा है और IMOTC हो रहा है। क्या हुआ है, एक स्टेज जो आप लोगों को पता है डेफिनेटली RMO है ना, RMO को भैया डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो RMO के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मगर उनके लिए अपडेट है कि भाई RMO जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सिर्फ इस साल के लिए, इस ही साल के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर भी लिखा हुआ है भैया दिस साइकिल इज टू बी केप्ट इन माइंड, 2021 की साइकिल के लिए RMO को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और सिर्फ तीन जो है मेजर चेंजेस आप लोगों के सामने, IOQM है, उसके बाद INMO है और फिर IMOTC है। ठीक, क्या कहा गया है, IOQM will have 30 questions, in each of the question will have integer in the range of 00 to 99, the syllabus and the standard of this examination will be same as of the PRMO in previous years। मतलब ये जो है भैया यहां सिर्फ नाम चेंज हुआ है, IOQM जो है उसका नाम प्रीवियसली PRMO के नाम से था। 30 क्वेश्चंस यहां आने वाले हैं, इंटीजर रेंज की वैल्यू बता दी है आप लोगों को, उसके बाद INMO INMO जो हम बेसिकली देखते हैं वो क्या होगा, 4 घंटे का पेपर होगा सेम एज प्रीवियस, जहां पर 6 क्वेश्चंस आते थे। उसके बाद फिर IOQM विल बी कंडक्टेड बाय MTA विद द सपोर्ट ऑफ IAPT, ठीक है, एंड HBCSC। यहां पर भी वही चीजें हैं जो पहले चल रही थी, पर बस नाम को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है कि भाई RMO हटा दिया गया है, ध्यान रखना RMO हटा दिया गया है। उसके बाद फिर क्या है, ऑनलाइन एनरोलमेंट्स फॉर IOQM इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑन IAPT वेबसाइट बाय 15th of October। वहां क्या था, 14 अक्टूबर था, और यहां पर क्या, सॉरी वहां पे भी 15 अक्टूबर था, और यहां पर भी क्या है अपना, देखो बता रखा था मैंने डेफिनेटली बताया था आप लोगों को, ये रहा ऑनलाइन एनरोलमेंट्स 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और यहां पर भी वही चीज है, 15 अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है मैथमेटिक्स का भी। मगर डेट्स के साथ साथ अगर आप देखोगे, ध्यान दो, क्या हो रहा है, 17 जनवरी 2021 को 9 से 12 के बीच में पेपर है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यार। अब यहां देख लो आप, 17 जनवरी को पेपर है, ये देखो डेट पे आ जाओ, डेट पे अगर मैं आता हूं आप लोगों के सामने, तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यहां देख लो क्या हो रहा है, 17 जनवरी को 2:30 से 5:30 में आपका NSEJS हो रहा है, और इससे ठीक पहले यानी कि 9 से 12 के बीच में आपका जो है PRMO का पेपर कंडक्ट हो रहा है, समझ रहे हो, देख रहे हो, मतलब उस दिन भी 2 शो चलने वाले हैं, जैसा एग्जैक्टली यहां हो रहा है कि भाई 6 तारीख को भी 2 शो हैं, 7 तारीख को भी 2 शो हैं, तो ये याद रखो कि 17 जनवरी को भी 2 शो चलने वाले हैं। कैसे चलने वाले हैं, वही सुबह 9 से 12 और 2:30 से 5:30। IIT का जो टाइमिंग होता था उससे एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, मिलता जुलता बना दिया। मगर एक सबसे अजीब सी चीज जो हम लोगों को देखने को मिली, यहां देखो INMO का पेपर जो है भैया 7 तारीख को होने वाला है, 7 मार्च। मतलब मैं बता दूं हम लोगों को कि जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अजीब सी खबर है भैया, बोर्ड चल रहे होते हैं मार्च के टाइम में, तो मतलब ये देख लो आप कि INMO का पेपर अगर आपको देना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई वो जो बच्चा है जो 10th के बोर्ड्स भी दे रहा है और INMO का पेपर भी दे रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 7 तारीख जो है वो बोर्ड्स के बीच में अटक जाएगी, तो मतलब बोर्ड्स के साथ साथ INMO का पेपर भी देके आएगा वो बच्चा जो कि 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी चीजें इन्होंने बोली। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्लीज नोट दैट दिस शेड्यूल इज टेंटेटिव। क्यों है टेंटेटिव, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है कि टेंटेटिव डेट्स हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कि भैया पैंडेमिक की सिचुएशन अगले साल यानी कि जनवरी में क्या रहेगी, इसीलिए इन्होंने पहले कह दिया कि ये जो शेड्यूल हमने दिया है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, मगर दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक। उसके बाद इन्होंने फिर क्या कह दिया कि देर विल नॉट बी एनी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट टू RMO, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई RMO जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर यानी कि 2021 के लिए। 2022 के लिए क्या होगा वो अगले साल के रूल्स में पता चलेगा या अगले साल के अनाउंसमेंट में पता चलेगा, ठीक। उसके बाद द प्रोग्राम स्टेजेस बियॉन्ड INMO विल बी अनाउंस्ड एप्रोप्रिएटली लेटर, यानी कि इसके बाद की जो स्टेजेस हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे जब आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज कंडक्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी थी। दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी बता देना है कि भैया यहां अब ये ध्यान देने वाली बात जो सबसे बढ़िया बात है, मैं बता रहा था आपको PRMO, ठीक है, तो PRMO का नाम अब जो है वो IOQM कर दिया है, प्लस यहां पर मैं ये बता दूं RMO नहीं हो रहा इस साल,
किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें भैया कंडेंस करना था, 2021 के लिए हमने जो है आरएमओ को कैंसिल कर दिया है। उसके बाद इनमो वाला पेपर जो है 7 मार्च को है, 12 से कितने बीच में, 12 से 4 यानी कि 4 घंटे का मतलब हो गया आपका 6 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस के लिए 4 घंटे आप लोगों को दिए जाते हैं, जैसा कि पहले प्रोसीजर हुआ करता था वही प्रोसीजर है। अब यार पीआरएमओ का एनालिसिस देख लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम है एज यूजुअल, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो सेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जो हमारा एनालिसिस है ना, अब यार देखो क्या होता था, पहले क्या होता था, ये सीन रहता था पीआरएमओ में 360 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, ठीक है, और उसके बाद आरएमओ जो होता था उसमें 35+6 का रेशो रहता था, यानी कि ये स्टैंडर्ड रेशो था जहां पर गर्ल्स का अलग से क्राइटेरिया होता था, ठीक है, तो 35 और 6 का जो क्राइटेरिया था। अब हम ये कह सकते हैं कि इस आरएमओ के डिसकंटिन्यू होने के बाद जो एग्जैक्ट पीआरएमओ का रीजन वाइज सिलेक्शन सीट्स रहेंगी वो 50 हो जाएगी यार, और अगर 50 के अप्रोक्स अगर ये सीट्स हो जाती हैं तो डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कट ऑफ है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा यार, ठीक है। क्यों हो रहा है? सब कुछ ये सीट्स के दम पे होता था, तो अब क्या हो रहा है, कट ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट फिर भी पेपर होने के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा कि पेपर का लेवल जो है टफ आने वाला है, और टफ आने की वजह से जो है ये सीट्स का फंडा, फिर टफनेस ऑफ द पेपर, और उसके बाद फिर ये क्या है कि भैया कट ऑफ जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाला है, ठीक। 17 जनवरी को पीआरएमओ का पेपर होगा और इसकी कोर्स कंप्लीशन जो है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ कोर्स जो आपका करना है वो आप लोगों को कर लेना है कब, 15 दिसंबर तक, ठीक है। मैंने आप लोगों को साइंस का कोर्स कंप्लीशन डेट बता दिया, सीनियर साइंस ओलंपियाड का कोर्स कंप्लीशन डेट बता दिया, और साथ ही साथ प्री आरएमओ के लिए जो कोर्स कंप्लीशन डेट आप लोगों का रहना चाहिए वो बता दिया है मैंने, 15 दिसंबर होना चाहिए आप लोगों का कोर्स कंप्लीशन डेट, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते रहो कि जेएस यानी कि जूनियर साइंस ओलंपियाड आपका, एस्ट्रो आपका, फिजिक्स ओलंपियाड आपका, केमिस्ट्री ओलंपियाड आपका, बायो ओलंपियाड, ये सारे जो सीनियर ओलंपियाड है सबका डेट अनाउंस हो गया, सबका कोर्स कंप्लीशन डेट मैंने आप लोगों को बता दिया, एनालिसिस मैं कर चुका हूं कि भाई किस तरीके का पेपर आने वाला है। ये जो बात है यार एनटीएससी की, ये देखो यार नो अपडेट, ठीक है, क्या हो रहा है एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए कोई अपडेट नहीं है हमारे पास अभी तक। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, क्या सोच करके बैठी है कि एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए हमें कोई अपडेट नहीं देना है। मगर अभी आईएपीटी ने जो अपडेट डाला है, किसने डाला है, आईएपीटी ने जो अपडेट डाला है आज की तारीख का, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं यार प्रेशर बिल्डअप होगा और एनटीएससी के भी डेट्स का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो बाहर आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यार देखो सारे ओलंपियाड एग्जामिनेशन है और सब बहुत ही बढ़िया ओलंपियाड एग्जामिनेशन है। तो अभी तक के लिए क्या है, नो अपडेट्स ऑन एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑन एनटीएससी, क्या स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए कोई अपडेट नहीं है। स्टेज 1 लास्ट ईयर हुआ था, स्टेज 2 का पता नहीं है, स्टेज 1 इस साल वाला जो है उसका भी अभी पता नहीं है, तो क्या होगा, अपडेट्स आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारा, ठीक है। एक चीज जाने से पहले और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अब यार देखो ध्यान से देखते रहो इस पेपर को, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था मैं कि यहां देखो ये डेट्स जो है ना इसको जरा ध्यान से देखो, अभी तक क्या होता जा रहा था, एस्ट्रो का पेपर जो था ना, एस्ट्रो का और बायो का पेपर, ये दोनों सेम डे होते थे, ठीक है, पेपर क्लैश होता था और दोनों सेम डे होते थे अभी तक, यानी कि 2020 तक ऐसा होता रहा था कि एस्ट्रो और बायो का अजम्पशन हम लोगों ने, यानी कि आईएपीटी ने एक अजम्पशन ले रखा था कि भैया या तो बच्चा जो है एस्ट्रो का पेपर देगा या बायो का पेपर देगा, तो क्या हो रहा था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको दोनों पेपर देने होते थे पर वो सिर्फ एक पेपर दे पाते थे। अब इस बार आप लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज है कि भैया एस्ट्रो का पेपर हो रहा है 6 तारीख को और बायो का पेपर हो रहा है 7 तारीख को, ठीक है, तो जो बच्चे दोनों पेपर ऑप्ट करते हैं एस्ट्रो और बायो, उनके लिए बहुत बढ़िया बात क्या हो गई कि दोनों पेपर अलग अलग दिन है, फटाफट से जो है अपनी तैयारी में जुट जाओ और एकदम फाड़ू तैयारी कर लो यार, बहुत ही फाड़ू अपडेट है ये कि भाई दोनों पेपर जो है अलग अलग दिन है, तो सारी चीजें आप लोगों की हो गई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं यार, एक चीज जो मैं आप लोगों के लिए और बता दूं कि इतने सारे अपडेट्स के बाद अब क्या है, पीआरएमओ का कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, जो है पीआरएमओ की प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करवा दूंगा और पीआरएमओ की प्लेलिस्ट क्रिएट होते ही आप लोगों के पास वो प्लेलिस्ट आ जाएगी और अपनी पढ़ाई जो है आप बिल्कुल जो है फ्रेश स्टार्ट आप दे सकते हो, क्योंकि डेट्स आउट हो चुकी हैं,
तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करा देनी है और कुछ इस तरीके के पैकेज हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। कहां जाना है, www.talkingtextbooks.in की वेबसाइट पे जाना है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाना है और ये यार चार पांच पैकेज आप लोगों के लिए बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया पैकेज है, 9000, 1200, 3500 और 856 रुपीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज है और पीआरएमओ का टेस्ट सीरीज है, पाथफाइंडर के सॉल्यूशन है, उसके बाद आपका वीडियो सीरीज है पूरा 10 FSTs के साथ, ठीक है। फिर यहां पर वीडियो सीरीज बाय पीजे सर और 9000 रुपीज का पैकेज है जिसमें आप लोगों को बुक डेफिनेटली मिलने वाली है, वो बुक है पियर्सन पब्लिकेशंस की जो अभी तक की बहुत बढ़िया सेलिंग बुक रही है पीआरएमओ के लिए, प्रशांत सर ने जो लिखी है। दूसरा जो है आईजेएसओ यानी कि एनएससीजेएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टेज वन की बात कर रहे हैं हम लोग, एनएससीजेएस या फिर IOQJS, याद रखो यार IOQJS ये नाम याद रख लो यार, मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है वो मात्र 3500 रुपए का है, यानी कि 3500 रुपीज। उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो यार, फटाफट से देख लो क्या कर सकते हो। इन दोनों सीरीज के लिए जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था, वो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई हमारी वेबसाइट पर सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, तो क्या करना है, क्या करना है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, फटाफट से आ जाओ और AK लाइव कोड को यूज कर लो यार, ठीक है। क्या यूज करो, AK लाइव कोड को यूज करो, इस कोड को यूज करते ही आप लोगों को मिलेगा 30% का डिस्काउंट, यानी कि जो 9000 वाला पैकेज है वो पड़ेगा आप लोगों को सिर्फ 6300 रुपए में, यानी कि 6300 रुपीज में। और अगर आप IJSO के एस्पिरेंट हो, IJSO की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो वो आप लोगों को पड़ जाएगा कितने में, मात्र और मात्र 2450 रुपए में, कितने में, मात्र और मात्र 2450 रुपए में, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते रहो यार, अपडेट्स डेफिनेटली आते रहेंगे और भी अपडेट्स जो आने वाले होंगे वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। याद रखो दोनों पेपर्स की डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो डेट है 15 अक्टूबर, कितनी है 15 अक्टूबर, तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, रजिस्ट्रेशन इसी दिन कर लेना यार, ठीक है। अगले दिन 16 तारीख को भी कर सकते हो, मगर 15 तारीख से जो है अक्टूबर 15 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे IAPT की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अगले अपडेट्स में डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए याद रखिए, कोड है AK लाइव और 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है अभी, और आगे हम लोग फिर से मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक लिए बने रहे मेरे साथ, मेरा नाम था आकाश वर्मा, आप देख रहे हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव का वीडियो। बाय बाय एवरीवन।